अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये देखें जी, ये हमने भिंडी लाए हैं। भिंडी ऐसे करके धोनी होती है अच्छी तरह। मैं आपको बता रही हूँ कि भिंडी बहुत अच्छे से धोनी होती है क्योंकि कचरे में पड़ी होती है। तो भिगारे चावे उन्हें अच्छी तरह पहले धो धा के साफ सुथरा कर लो। ये देखें जी, ये मैंने दूध ले लिया, कच्चा दूध जो होता है उसमें मैं एक शाही मीठा बना रही हूँ। ये है शाही मीठा, इसका नाम है। तो आप देखेंगे कि कैसे ये बनता है, मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ। ये मैंने ले लिया एक लीटर और इसमें मैं चार चम्मच चीनी डाल रही हूँ। ये देखें, चार चम्मच चीनी चला गया इसमें और इसको बॉईल करने के लिए रखा है। ये बॉईल हो जाएगा तो आपको दिखाते हैं। कस्टर्ड के तीन चम्मच डाल दिए हैं, ये वाला रफान कस्टर्ड, और दो चम्मच मैंने इसमें चीनी डाली है। चीनी जब तक हल नहीं होएगी हम मिक्स करते रहेंगे। और इस तरह से इसके बाद हमारा वो दूध उबल गया है तो हम उसमें डालेंगे। दूध हमारा देखो इस तरह उबल रहा है तो इसमें हम रफान कस्टर्ड थोड़ा थोड़ा सा करके डालेंगे क्योंकि हमने इसको हिलाना जुलाना है। तो ये देखें, ये हमारा थोड़ा थोड़ा सा करके जाएगा। ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये मीठा बनेगा, शाही मीठा आप बन जाएगा तो आप देखेंगे ये बहुत ही मज़े का बनता है। इतना मज़े का बनता है कि आपसे पूछेंगे लोग, क्योंकि ये इसमें चीनी थी तो मैंने कहा कि चीनी आ जाए इसमें। तो थोड़ा सा ये डाल के मैंने चीनी निकाल ली है इसमें से। तो ये देखें, ये बहुत ही मज़े का इंशाल्लाह बनेगा, ज़बरदस्त बनेगा। बादाम कुटे हुए डाल दिए, मेवा बादाम डाल दिए हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे अभी भी रहने देंगे क्योंकि ये हमें गाढ़ा चाहिए, इससे गाढ़ा चाहिए, थोड़ा सा ये गाढ़ा गाढ़ा होना चाहिए और ऐसा हो जाना चाहिए। ये देखें, ये बहुत मज़े का बनेगा। तो हम जब तक दूसरी चीज़ डबल रोटी तैयार कर लेते हैं। ले लिए मिल्क पैक क्रीम ले लिए, आप मलाई भी ले सकते हैं, फ्रेश मलाई आपके दूध की हो तो आप वो दो तीन चम्मच ले सकते हो। मैंने ये तीन चम्मच जितनी फ्रेश क्रीम ली है, ये देखें, ये मैंने फ्रेश क्रीम लेने के बाद इसमें मैंने दो चम्मच है, चम्मच ऐसे बड़े बड़े भर के मैंने चीनी का पाउडर ले लिया है। ये दो चम्मच चीनी का पाउडर है, चीनी मैंने पाउडर कर ली है। तो ये क्रीम और ये चीनी, ये आप जो है ना मिल्क क्रीम ले लें या फिर आप घर में मलाई का, दूध की मलाई है ना वो निकाल लें, उससे भी ये बहुत अच्छा हो जाता है, ज़बरदस्त बनेगा आपका मीठा, शाही मीठा। शाही मीठा हम रखेंगे, सजाएंगे किस चीज़ में, हमें वो ट्रे भी चाहिए। हम ऐसे करके ब्रेड के सारे किनारे काट लेंगे। मैंने सारी ब्रेड के किनारे काट लिए हैं और मैंने कहा एक आपको दिखा दूं कि ऐसे सारी ब्रेड के मैंने किनारे काट लिए हैं इस तरह से, ये देखें। और इसके ऊपर मैंने ऐसे करके ये क्रीम लगा दी, ये ब्रेड के ऊपर ऐसे करके मैंने इस पर क्रीम लगानी है, ये देखें। फिर इसके ऊपर एक और पीस मैंने ऐसे करके रख देना है और फिर इसके ऊपर भी मैंने ऐसे ही क्रीम लगा देनी है, ये देखें। ऐसे करके अच्छे से क्रीम लगाएंगे हम। तो क्रीम लगा के ये हमारे बहुत ही मज़े का शाही मीठा तैयार होगा, ये देखें। और मुझे लग रहा है कि कम पड़ेगी तो दो ब्रेड और ले लेते हैं, ये देखें। ये आप कोई भी मेहमान आए आप फटाफट ये मीठा तैयार कर सकते हैं। ऐसे करके दो मैं और ले लेती हूँ, मुझे कम लग रही है। तो ये मेरे बच्चे हैं ना, ये कहते हैं हमें भी काम करना है, ये काम इनको भी बहुत पसंद है। तो जो कल की वीडियो होगी ना वो मैं आपको बताऊंगी, जो पहले मैंने डाली थी ना। ये मैंने दो पीस और की भी किनारे काट लिए हैं। बीच बीच में से मेरे बेटे का फ़ोन आ रहा था, मानू चुप हो जाओ जानी। ये जो है ना हमारा अहम हुसैन भी, इसको भी बड़ा शौक है कि मैं भी काम अम्मा आपके साथ कराऊं। तो ये देखें, ये हमने ये लगा के ऐसे, उसके बाद हमने इसको, मानू चुप हो जाओ जानी, इसको हमने ऐसे करके फिट कर लिया।
फिट करने के बाद हम इसको ऐसे करके काट लेंगे। ये ऐसे ऐसे करके कट जाएगा। ये देखें, ये सैंडविच की तरह का हमने मीठा बनाना है। ये बहुत ही मज़े का बनता है शाही मीठा। मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, आपने ज़रूर बनाना है और बहुत मज़े का बनता है ये। ये देखें, ये आपने ऐसे कर लिया, फिर आपने इसको उसमें सजा लेना है डोंगे में। ऐसे करके आपने इसको मीठे को बना लिया, पीस को आपने ऐसे काटना है। ये देखें, ये हमारा बहुत ही मज़े का तैयार हो गया है। तो हमने इस पर इसको डाल देना है। ये जो है हम ठंड गरम में, फुल गरम में डाल रहे हैं, क्योंकि ये डबल रोटी के जो पीस है ना, इसमें अच्छी तरह डिप हो जाएंगे तो बहुत ही मज़े के लगेंगे। इनके नीचे तक चला जाए ना, मैं इस तरह से डाल रही हूँ। ये देखें, ये बहुत ही मज़े का मीठा तैयार हुआ है। आप बनाएंगे, खाएंगे, आपको लगेगा कि ये है शाही मीठा। ये बहुत मज़े का होता है, ज़बरदस्त बनता है। आप ये मैंने ज़्यादा बनाया है तो बच जाएगा, तो मैं किसी और चीज़ में जमा लूँगी। ये देखें, ऐसे करके ये तैयार हुआ है। बीच वाले पीस तो अंदर ही रह गए। ये जो है ना, बीच वाले पीस हो गए, पीस जो है वो अंदर हो गए हैं। तो ये बहुत मज़े का है। ये देखें, ये वैसे इनके नीचे तक जाना है ना इसको, तो हमें तैरना चाहिए। ये जम जाएगा, बहुत ही मज़े का जम के ये बहुत मज़े का लगेगा। तो हमने इसको ऐसे करके, ये देखें, ये सारा तैर रहे हैं। अच्छा जी, इस पे हम थोड़ा थोड़ा सा बादाम डालें, पिस्ता डालें, आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। मैंने बादाम भिगोए नहीं थे तो इसलिए इस तरह के कट कट करके मैंने डाल दिए हैं। ये बहुत सारे बादाम डाल दें आप, या काजू डाल दें, या आप जो है ना चांदी के वर्क डाल सकते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं। इसने ना पी लिया है मीठा, तो ये देखें, ये बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई ऐसी बन के तैयार हो जाएगी। अभी इसको ठंडा होना है, इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए वीडियो बना लिए, तैयार कर लिए, लेकिन मैं इसको फ्रिज में रखूँगी, ये अच्छी ठंडी हो जाएगी। तो ऐसे ज़बरदस्त मीठा तैयार होगा, ये भी जम जाएगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।